तो नमस्कार भैया, हमारे पास देखो नोकिया 1209 मॉडल आओ है और ई में भैया देखो चार्जिंग नहीं हो रहा बता रहा हो भैया। तो देख सकत अपन के देखो अगर जो इंग्लिश में हो तो ई पे नॉट चार्जिंग लिखो आ जातो और स्विच ऑफ में भी देखो अकेली जब बैटरी को जो डिब्बा सो बनवा जाते और ई में भैया कोनो सेल ऐसे डिप टिप 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 नहीं हो रहा यार। देख सका तो आप खाली को खाली डिब्बा है। तो भैया ये में जब बैटरी नहीं चल रही है और नॉट चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको देखो जब बैटरी है जोन हमने भैया दो तीन बैटरी भी चेंज करके ही मैं देख ली कि भैया कौन उधर है बैटरी की समस्या आ जाते है। तो आप मॉडल नंबर देख सकत हो नोकिया मॉडल नंबर है को 1209 कोनो भी नोकिया होवे चाहे भैया कोनो चाइना मोबाइल होवे कोनो भी मोबाइल हो भैया। देखो हम जो ना सॉल्यूशन बता रहे हैं ऐसी चार्जिंग को तो वो सभी मोबाइलन पे भैया चल जाते हैं। तो बने रहो वीडियो में, हमारा नाम है रामचरण और आप देखा तो आपको अपनो यूट्यूब चैनल देहाती रिपेयरिंग। तो देख सका तो अपन के जा काय की वजह से आ जाते ऐसी प्रॉब्लम तो इको सॉल्यूशन भी है, बिल्कुल आसान सॉल्यूशन है, ना आपको कुछ मोबाइल में छेड़खानी करने हैं, सिर्फ अपन को एक ही पर्जा लगाने हैं। देख सकता आप हम आपको अच्छे से दिखावे की कोशिश कर रहे हैं देखो 22 नंबर की। तो देखो जय जो जी ख़राब हो जाते और एक ही वजह से जा प्रॉब्लम आ जाते है तो इको नहीं अपन को निकालने हैं न भैया अपन को। हाँ आपके पास अगर दूसरों ऐसे ही सेम बोर्ड है और एक नंबर की सेम वो है अगर आपके पास जो पुर्जा तो आप लगा सकते आसानी से। तो हम इको देखो नहीं छेड़ें ना उखाड़ें ना कुछ करें। तो देखो इको सॉल्यूशन सिर्फ इको का हर मोबाइल को सॉल्यूशन चार्जिंग से रिलेटेड जो भी मोबाइल हो देखो इको जो नंबर है जो जिनेड आई बोर्ड है भैया कमेंट में लिखा थे तो भैया हमने देखो डिस्प्ले पर भी शो कर दिया है नंबर और आप देख सकते हो जिनर भैया जिनर डाई बोर्ड इको सॉल्यूशन इको का हर मोबाइल को फेक चार्जिंग को हो गए नोट चार्जिंग को हो गए कैसे चार्जिंग हो गए। तो जो जिनर डाई बोर्ड हम लगा रहे हैं वो जी बैटरी आपको चार्ज करके दिखा रहे हैं। बने रहो भैया वीडियो में, जो तो एक डेमो दिखा रहे हैं हम थोड़ा सो और आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाएं वीडियो में। तो वीडियो को भैया हरो लाइक करियो, चैनल को सब्सक्राइब करियो और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट करियो। तो भैया पूरा वीडियो देखियो जब ये आपको समझ में आए और जो तो भैया सिर्फ 5 मिनट को 2 मिनट को जितो भी है हमने स्पीड बढ़ा दी थे जो तो एक डेमो आए आपको दिखा रहा है और पूरा वीडियो देखत रहो इसमें हम आपको प्रैक्टिकली बिल्कुल लगा के और कस के मोबाइल को दिखावे बारे हैं। तो देख सका तो अपन के हमने जो जिना डाई बोर्ड लगा दो है भैया देखो जिना डाई बोर्ड को प्लस हुए थे जो वो हमने बैटरी कनेक्टर के प्लस में लगा दो है और जो माइनस हुए थे चार्जिंग पॉइंट को प्लस हुए थे जोन वो में भैया इको जिना डाई बोर्ड को माइनस बायर लगाओ है। आप देख सकते हो कि देखो अगर आपके मोबाइल में ऐसा वोल्टेज आ रहा है कब घट पड़ रहा है अगर तो देखते रहो मल्टीमीटर की डिस्प्ले पे देखियो देखो 3 2 और एकाएक को भैया जो 1 हो जाते और फिर 3 हो जाते तो ऐसे में समझ जाओ कि भैया आपकी बैटरी चार्ज नहीं हुई है। तो बने रहो वीडियो में, इको सॉल्यूशन भी हम आपको करके दिखा रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाएँ और मोबाइल को बिल्कुल फिट फाट करके आपको चार्जिंग करके भी दिखाएँ। तो जो तो तनक सो डेमो दिखा रहे हैं हम ई वायर को लगा के और फिर आपको दिखाएं पूरो जो अपनों अपन को फिट करने हैं कितने का करने हैं। तो वीडियो छोड़ के नहीं भगियो और अपन कितने कर सका तो जो फिट देखो आसान जितने आपको अच्छी जगह दिखे कि जितने फॉल्ट नहीं हुए। हाँ जैसो भी आप कर सका तो आप लगा सका तो आसानी से और हम यही बैटरी को आपको चार्ज करके दिखा भी पा रहे हैं। तो बने रहो वीडियो में, वीडियो छोड़ के नहीं भगियो भैया, पूरी जानकारी ले जाइयो। तो
तो देखो कोनो भी मोबाइल होवे और कैसे भी चार्जिंग से रिलेटेड भैया कैसे भी प्रॉब्लम आ रही है तो जेनेडाई बूट भैया बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। और अगर आपको जेनेडाई बूट ज़्यादा ज़्यादा हीट कर रहा है यानी ज़्यादा गर्म हो रहा है और आपको नहीं लग पा रहा और एंड्रॉयड मोबाइल में भी लगा हुए थे जो तो कोनो कोनो दारे नहीं करा काम जो जेनेडाई बूट, तो आप बिल्कुल सीधो सो सिंपल एक ही सॉल्यूशन होते हैं उनको कि आप जो IN4007 को डाईबोर्ड भी ले सकत हो जोन भैया छू सब में छोटो डाईबोर्ड आउ थे बस सभी कछु चीजन में लग के आउ जैसे मोबाइल के चार्जर भाई उनमें भी लगी आउ चार डाईबोर्ड तो वे भी आप यूज कर सकत हो फेक चार्जिंग में नोट चार्जिंग में जैसी भी चार्जिंग कैसे भी चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है इसे भैया सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो देखो ई वायर को तो हमने भैया खींच के निकाल के रख दो है, अब आपको दिखा रहे हैं कि जैसे हमें इको फिट करने हैं जैसी मोबाइल में गुंजाइश हुई भैया वैसे ही लगाओ। तो देखो जितने आपको अच्छी सी जगह देखे जितने जैसे फॉल्ट नहीं हो पावे जनरेटर बोर्ड या जो भी आप लगाओ तो वो फॉल्ट नहीं हो पावे। तो देखो हमने डॉक्टर टैप भी लगा दो नीचे और ई वायर को देखो इतने हम जितने भी अपनों देखो इतने तो फॉल्ट तो हो जाए लेकिन टच नहीं हुई गई अगर किया हूँ तो नहीं हुई जाए। देखो हमने वो अपने जो वायर हुए थे वो पुलिस वालों वायर लगाओ है और जो फॉल्ट भी नहीं हुई जाए और गरम जो अपने होते थे आपको बता रहे हैं कि जो अपने जेनेडाई बूट गरम होते थे तो देखो जो कछु वोल्टेज की वजह से भी गर्म होते हैं जैसे आपने जो जेनेडाई बूट लगा दो और आप लगा रहे हो जैसे ज़्यादा एम्पियर वाली चार्जर पे तो जो जेनेडाई बूट देखो गर्म हुई है। और देखो ई मोबाइल को तो छोटो ही चार्जर लगा थे पतली पिनवा तो जो हाँ कम एम्पियर के आउ थे जी चार्जर तो ई में गर्म होवे को चांस नहीं रहते है। हम आपको इसे बता रहे हैं कि देखो अगर एंड्रॉयड मोबाइल में आप लगा रहे हो जो तो जो जेनेडाई बूट गर्म हुई है बार बार इको वायर खींचे और गर्म होके ख़राब भी हो सकते है। तो आप ऐसा करो कि अगर आपकी देखो इसे चार्जिंग तो नहीं हो सकती है जिन की एंड्रॉयड मोबाइल की टच मोबाइल की तो इको हम कवर करें दे रहे अच्छे से कि फॉल्ट नहीं हो पावे। और आपको दिखा रहे हैं फिर कि देखो एंड्रॉयड मोबाइल में अगर लगा रहे हो जो जेनेडाई बूट अगर काम पहली बात तो करे नहीं करे अगर तो ज़्यादा हीट हो जाए इसे भैया अपन हो रहे सीधा सॉल्यूशन ही को रथ है कि जो 4007 वारो डाईवुड रथ है वो भैया डाईवुड लगा दूँ तो उसमें भैया हीट तो हुई है लेकिन हाँ वो चलत रथ है काहे के हमने भैया कई मोबाइल की फेक चार्जिंग बनाई है और अभी तक भी चल रहे हैं भी मोबाइल काहे के हमने एक मोबाइल भैया कोपो C3 को भैया हमने सॉल्यूशन करूँ तो चार्जिंग को तो वो अभी तक भी चल रहा है और हमारे अड़ोस पड़ोस में है और बाकायदा चार्जिंग कर रहा हो ना अभी तक कोनू में प्रॉब्लम आई है ना दिक्कत आई है। तो भैया बातन बातन में अपन ने पूरा वीडियो देख रहा है और देख सकते हो अपन के हमने कंप्लीट करके मोबाइल को और मोबाइल को फिट करके और आपको चार्जिंग पिन लगा के दिखा रहे हैं। तो भैया वीडियो अभी तक लाइक नहीं करो हो तो लाइक करियो अपने दोस्तन में शेयर करियो चैनल को सब्सक्राइब करियो और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट करियो। राम राम भैया फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी समस्या लेके। तो भैया कैसा लगो वीडियो और बाद में कमेंट भी करियो कि हमें ऐसा लगो वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो कि नहीं लगते हैं अपनी राय जरूर दियो। भैया देखो मोबाइल अपना चार्ज होने लगो है ना भैया नोट चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही में अब और ना कछू की तो भैया अपना मोबाइल ओके होगा टनाटन होगा चल रहा है चार्जिंग कर रहा है अभी में कोनो दिक्कत नहीं आया भैया।